नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। लगातार हो रही अनदेखी से नाराज आखिरकार वीरभद्र सिंह ने चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश कांग्रेस में राजनीतिक महाभारत छिड़ने के आसार। पंजाब के आनंदपुर साहिब और शक्तिपीठ श्री नैना देवी को जोड़ने वाले रज्जू मार्ग के निर्माण पर पंजाब व हिमाचल सरकार ने लगाई मुहर। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में पर्यटन निदेशकों ने रोपवे के MOU पर किए हस्ताक्षर। बाबूराम मंडियाल के हिलोपा में शामिल होने के बाद नादौन सीट पर बीजेपी के बिगड़ सकते हैं चुनावी समीकरण। कांग्रेस के मौजूदा विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए भी आसान नहीं जीत की डगर। पिछले काफी समय से कमजोर चल रहे मॉनसून ने आखिरकार प्रदेश में पकड़ी रफ्तार। पिछले दो दिनों से राजधानी शिमला समेत कई दूसरे हिस्सों में खूब भिगोया। किसान बागवान भी बारिश देख हुए गदगद। और अब खबरें विस्तार से। खबर यह है कि वीरभद्र सिंह ने चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। समझा जा रहा है कि चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी में अनदेखी के कारण पूर्व मुख्यमंत्री ने नाराजगी में ये कदम उठाया है। इससे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश कांग्रेस में राजनीतिक महाभारत की नींव डल गई है। कांग्रेस के लिए ये खबर शुभ नहीं मानी जा रही। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के टेवरों से कांग्रेस हाईकमान नाखुश दिख रहा है। नतीजन विधानसभा चुनावों के लिए गठित चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी से बाहर रखकर उन्हें बड़ा झटका दिया गया है। ये चुनाव समिति अत्यंत अहम मानी जा रही है, जिसके सिफारिश पर उम्मीदवारों के नाम तय होंगे। कांग्रेस पार्टी हाईकमान पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद वीरभद्र सिंह से नाराज है। वीरभद्र सिंह के मैं ना मानू रवैये से नाखुश हाईकमान ने उनसे सख्ती से निपटने का मन बना लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री को चुनाव समिति से बाहर रखने के फैसले से पार्टी हाईकमान का रुख साफ देखा व समझा जा सकता है। विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस हाईकमान द्वारा गठित चुनाव घोषणा पत्र समिति में शामिल होने से वीरभद्र सिंह ने मना कर दिया था। इस समिति के अध्यक्ष केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा हैं। हाईकमान ने दूसरी समिति वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में गठित की। इसे चुनाव प्रचार समिति का नाम दिया गया, जिसमें कुल 22 सदस्य शामिल किए गए। वीरभद्र सिंह ने इस भारी भरकम समिति का भी विरोध कर दिया। वीरवार को उन्होंने इस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया है। मैं ना मानू की यह जिद वीरभद्र सिंह को ले डूबी तथा हाईकमान ने अति महत्वपूर्ण समझी जाने वाली नवगठित चुनाव समिति से उन्हें बाहर ही रखा। पार्टी हाईकमान के इस रुख से वीरभद्र सिंह समर्थक सख्ते में हैं। 5 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके वीरभद्र सिंह की अनदेखी से सभी हैरान हैं। नवगठित चुनाव समिति नवंबर में संभावित विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों का चयन करेगी। इसमें प्रदेश से केवल 2 ही नेता शामिल किए गए हैं। वे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर और कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्टोक्स। इससे साफ हो गया है कि टिकटों के आवंटन में अब वीरभद्र सिंह की नहीं सुनी जाएगी। इसे वीरभद्र सिंह के समर्थक कांग्रेसी नेताओं में बेचैनी है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस महत्वपूर्ण समिति से वीरभद्र सिंह को बाहर रखा जा सकता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, हिमाचल के प्रभारी वीरेंद्र चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष